खबर पानीपत हरियाणा से आ रही है, जहां पर सीबीआई 3 पुलिस टीम ने मादक पदार्थ तस्करी की बरामद को नाकाम करते हुए 3 महिलाओं और 5 युवकों को 106 किलो गांजे सहित काबू किया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार 11 लाख रुपए बताई जा रही, पानीपत पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं। वहीं बता दें कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी के मामले न्यायालय में पेश की गहनता से पूछताछ करने के साथ ही आरोपी गुरमेश व मलकीत उर्फ बिल्लू को 2 दिन के पुलिस रिमांड के लिए रखा गया, बाकी 6 आरोपी को न्यायालय हिरासत जेल भेज दिया गया है। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज शनि के लिए पानीपत से खास रिपोर्ट। सर आपने एनडीपीएस में कुछ पकड़े आज, उसके बारे में विस्तार से बताइए सर। हाँ, कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शाम के समय कि कुछ लोग जो हैं, कुछ लेडीज और कुछ आदमी जो हैं सिवा बाईपास के पास जो हैं बैगों में भर के कुछ नशीला पदार्थ लेके कहीं जाने की फिराक में हैं। तो हमने तुरंत ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब से कॉन्टेक्ट किया और अपनी टीम गठित करके हमने तुरंत सिवा बाईपास के पास जो है, सिवा बस स्टैंड के पास जो है, अपनी टीम को रवाना किया। तो वहाँ से हमने कुल जो सस्पेक्ट था मुखबिर की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने उनको काबू किया। तो इसमें कुल मिलाकर हमने टोटल 8 आदमी, जिसमें 5 जेंट्स और 3 लेडीज भी शामिल हैं, इन सभी को वहाँ से काबू किया। और उनको काबू करने के बाद इन्होंने जो बैग लिए थे उन बैग के अंदर से हमने गांजा मिला, जो ये वहाँ से लेकर कहीं जाने की फिराक में थे। तो वो जब इसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में इस सारे काम को पूरा किया गया, तो जब उसका वेट किया गया तो लगभग 106 किलोग्राम गांजा जो था वो इनके बैग से बरामद हुआ। सभी आदमियों ने अपने अपने हाथों में बैग लिए थे और उन बैगों के अंदर छुपा कर कपड़ों के नीचे गांजे को छुपाया हुआ था और उसको लेकर के ये वहाँ से भागने की फिराक, मतलब कहीं सप्लाई करने की फिराक में थे। जो ये गांजा जो है ये विशाखापट्टनम से बाई ट्रेन लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें हमने 8 आदमी को अरेस्ट किया, जिसमें से 5 नौजवान लड़के हैं और 3 लेडीज हैं। इनमें ये सभी जो हैं पानीपत के रहने वाले हैं, एक लड़का इनमें कुंजपुरा करनाल का रहने वाला है, बाकी पानीपत समाल का केरियम गांव रक्षेड़ा है वहाँ के रहने वाले हैं। इन सभी के नाम हैं गुरमेज, निशांत, गुरदास, मलकीत और गुरमीत। साथ में 3 लेडीज़ को भी पकड़ा है, कांता के ऊपर पहले भी एनडीपीएस के 2 पर्चे रजिस्टर हो चुके हैं, पहले ही रजिस्टर हैं। इसके अलावा प्रेम कौर, ये भी रक्षेड़ा की है, और राजकौर उर्फ रची, ये दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन ये कांता इसके ऊपर पहले 2 पर्चे, इसकी सगी सिस्टर हैं। तो ये दोनों बहनें भी इस काम में, और साथ में ये प्रेम कौर के साथ में विशाखापट्टनम से ये गांजा लेकर आए थे, जिसको इन्होंने यहाँ पे लोकल में सप्लाई करना था। इसके अंदर इसका जो मास्टरमाइंड है वो कांता का हस्बैंड जो है, जिसका नाम काला है, रक्षेड़ा गाँव का रहने वाला है, और ये भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, इसी ने सारी चीज़ों का इंतजाम किया था। इन सभी को हमने कल जो है, कल शाम को यहाँ से शिवा बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया और आगामी कार्रवाई के लिए आज कोर्ट में पेश करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए।